अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक नई चीज़ बनानी सिखाएंगे जो बहुत जल्दी बन जाती है और बड़ी मज़े की बनती है। एक पाव हमने चिकन लिया है, उसको ना पानी में हल्की एक चुटकी नमक डाल के उबाल लिया है, तो इसके रेशा रेशा कर लिए हमने। चार पीस हमने ब्रेड के लिए हैं, डबल रोटी के लिए हैं। ब्रेड क्रम्स लिए हमने हसबे ज़रूरत। शिमला मिर्च एक ली है, शिमला मिर्च को हमने ना लंबा लंबा काट लिया है बारीक बारीक। और बंद गोभी ली है हमने हसबे ज़रूरत, वो भी लंबी लंबी काट ली है बारीक। मायनीज़ के 3 चम्मच लिए हैं हसबे ज़रूरत। हमने हरा धनिया लिया है, उसको भी थोड़ा काट लिया है। पीसी हुई काली मिर्च ली है 1 चम्मच। सुरख मिर्च कुटी हुई ली है 1 चम्मच। हसबे ज़रूरत हमने नमक। अब हम इसको बाउल में डालेंगे और बनाएंगे। उसमें हम इस तरह की ये रेशा रेशा किया हुआ है मुर्गी डालेंगे। शिमला मिर्च डालेंगे, बंद गोभी डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे पिसी हुई, सुरख मिर्च डालेंगे। जितनी आपको चाहिए उतनी डाल सकते हैं। अगर आपने करारा करना है, थोड़ा मज़े का और करना है, तो उसमें और भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे हम, मायनीज डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स करके हमने इसको, अब इसको हम फिलिंग करेंगे इसकी। डबल रोटी ली है हमने, इसके साइडों पे ना किनारे जो हमने ना ब्राउन थे वो काट लिए अच्छी तरह। तो अब इसको मैं भिगोऊंगी पानी में। पानी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। अब इसको हमने इस तरह कर लेना है, बॉल बन जाना है इसका, ठीक है। इस तरह हमने इसको बॉल बना के रख लेने, फ्राई में इसको बाद में करेंगे। ये देखिए इस तरह के बन गए, हमने इस बना दिए गोल गोल। तो पकाया भी इस तरह बनाने हैं, बना के तो हमने इसको तलना है। हमारा गर्म हो गया, इसमें हम अब ब्रेड क्रम्स लगाएंगे।
बस दरमियानी दरमियानी आँच पे इसको पकाएं। हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं, एक साइड हमने ब्राउन कर ली है, अब दूसरी साइड इसकी ब्राउन करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। इतना अच्छा कलर आ गया इसका। रेड ब्राउन हो जाएगी ना तो हमने इसको निकाल देना है। हल्की ब्राउन हो गई है, अब हम इसको निकालेंगे। अब देखिए हमने इसको निकाल लिया है। चिकन ब्रेड बॉल्स तैयार हो गए हैं। अब हम आपको ना खोल के दिखाते हैं। ये देखें कितने मज़े के हैं। केचप के साथ भी आप खा सकते हैं, मायनीज के साथ भी आप खा सकते हैं, आपके बच्चों को आपको जैसे भी पसंद हो तो उस चीज़ से खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये देखें बड़े मज़े के बने हैं। बड़े मज़े के बने हैं, आप भी ट्राई करें। अभी के साइडों पे हमने जो काटे थे पीस, तो अब इसको ना हमने दो तीन दिन के लिए ना छौ में सुखा के ना तो इसके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं कूट के, तो आप इसको सेव करके रख लेने, तो आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं।